वो आप ऑफ एज निकाल सकते हैं उसमें से. इज दिस माइक वर्किंग? इनका माइक ऑन है. कमिंग डॉट डॉट डॉट. आई थिंक द माइक इज नॉट वर्किंग. मेरा वाला यूज कर लो, चलता है वो. पर तो सेकंड बेस्ट पे जाता है. ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो कि ये तीन आर लगाने की क्या जरूरत पड़ी इसमें, हंटर में? तीन आर है ना इनमें. वो कम से कम तीन बार ही ट्राई करता है तो जाके कुछ होता है. फैबुलस. अब ये स्क्रिप्ट जब आपके पास आई सर्स विकास एंड विक्रम, व्हाट वाज इट अबाउट द स्टोरी ऑफ हंटर कि आपको लगा कि इसे बनानी चाहिए? विक्रम इंस्टेंटली फेल्ट दैट ही कुड रिलेट टू इट. So I was disowning it. I said ki nahi aisa nahi hota hai. He bole nahi aisa hi hota hai. I threw a tantrum in there. So him being the senior one, we had to just go with it. Aapke bhi kya friends ke saath aisa hua hai Vikram, jo jaise ki Harsh ne kaha? Ha, I was the friend. Fabulous. क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हंटर से व्हेन इट हिट्स सिनेमा हॉल्स? फैमिलीज विल फैमिलीज गो एंड वॉच दिस फिल्म टुगेदर? इज दैट गोइंग टू हैपन? ऑफ कोर्स इफ दे गो एज अ फैमिली दे हैव टू, दे मस्ट गो, अदरवाइज फैमिलीज वोंट हैपन. तो अगर आपको फैमिली बनानी है तो अपनी फैमिली को लेकर जाइए. इट्स अ फैमिली एंटरटेनर. Family entertainer. Now another thing that we're waiting for. Of course, we're going to be talking to the music team also in a while. But abhi tak music ke baare mein zyada kuch khulasa nahi hua. Can you shed some light batoor producers? The music is also coming of age. Very mysterious this film is. Zyada kuch offer nahi kar rahe producers. Music director hai yahan pe. He's done some. It's a fantastic album. Yeah. नाम खामोश है. इन्होंने ही दामन पे दाग लगाया. अभी मैं सर आपको बुलाती हूँ, लेकिन एक एक सवाल और आ गया मेरे जहन में. गुलशनी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो आप ट्विटर पे मंदार पोंक्षे जो इस वक्त कर रहे हैं ट्विटर पे, मतलब बहुत डेयरिंग हुई अगर आप लोगों ने फॉलो किया कि नहीं किया. हुमा कुरेशी, सोनाक्षी सिन्हा, इन्हें भेजी जा रही है फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट. क्यों कर रहे हैं आप? ये आप कर रहे हैं या ये लोग करवा रहे हैं आपसे? वो तो आप सोच लो कौन कर रहा है, वो मैं नहीं बताऊंगा. बताने की कोई जरूरत नहीं है. कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? इस बात से हम लोग निकाल लेंगे तो फिर मजा कैसे आएगा ना. लेकिन जब तक डेयरिंग नहीं करेंगे तब तक हासिल कुछ कैसे कर पाएंगे. तो एक ऑर्डिनरी इंसान जो बहुत साधारण सा है लेकिन कभी कभी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी तीरें मार देता है वो निशाने पे, तो वो डेयरिंग करने से ही होता है ना. तो इसीलिए डेयरिंग कर रहे हैं. फिल्म में कह रहे हैं लेकिन सेकंड बेस पे लाइन मारी और खुद मार रहे सोनाक्षी सिन्हा पर. स्ट्रेटजाइज तो नहीं, वो क्या है ना कि अभी हमने थोड़ा चेंज कर लिया है अब आपने. हाँ, इट्स ऑनलाइन ना, असली जिंदगी में तो हिमाकत नहीं करेंगे. ट्विटर पे कोई देख नहीं सकता किसी को. वही है ना कि मतलब दिखते नहीं हो, मतलब पता नहीं कौन हो, कुछ भी कर सकते हो, वो चक्कर है ना. अभी लग, लेकिन किसी हीरोइन ने मंदार पोंक्षे को रिप्लाई तो नहीं किया मेरे ख्याल से अभी तक. किसी ने घास नहीं डाली कि डाली है? नहीं, वो तो फर्स्ट बेस्ट वाले ऐसे करते हैं. सेकंड बेस्ट वाले तो मतलब. बुलाना चाहूंगी जिनके पेरेंट्स शत्रु सर के बहुत बड़े फैन है. खामोश म्यूजिक डायरेक्टर सर प्लीज. हेलो सर. हेलो, हाउ आर वी? आई एम फाइन, थैंक यू. फैंटास्टिक. छह ट्रैक्स है मूवी में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. सात ट्रैक, साढ़े सात. ये आधे ट्रैक की कहानी क्या है? जो गाना नहीं है, है भी नहीं भी है. मतलब इतनी है मगर नहीं है. अच्छा, इतना ही समझ में आया सर. उसके आगे समझ नहीं आया, बट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस एल्बम से जो सात पूरे गाने हैं उनसे एटलीस्ट? एल्बम, हाँ एल्बम यानी कुछ इरा है एल्बम का, 80s से लेके 2015 तक. और हर्ष जी ने बहुत पहले से हमें बताया था कि ये यानी स्क्रिप्ट के अंदर पूरा स्क्रिप्ट पढ़वाया और बताया कि दिस इज द कैरेक्टर. सो उस हिसाब से हमने गाने बनाए और कुछ रोमांटिक गाने हैं. देयर इज वन two three peppy songs and it's era yani 20s and ek era hai bappida ka disco ka, phir ek era hai nadeem shravan ka, humne ek gana kiya hai wo us style ka gana kiya hai
जो अल्ताफ राजा ने गाया है, और हाँ सो वो डांस बार और वो पूरा हीरा वो है, और फिर कुछ गाने ऐसे ही हैं जो इंसिडेंटल, जो गाने में जैसे सीन्स है वैसे बनाए गए हैं। धीरे धीरे करके अब गाने भी हमें सुनाई पड़ेंगे, हम अपने रेडियो स्टेशन पर सुनाएंगे, सबको सुनाएंगे गाने, पर कौन सा गाना आपको लगता है जो सबसे पहले बड़ा एकदम पिकअप होने वाला है, मतलब जनता के बीच में एक गाना वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोस्ट? लुकिंग फॉरवर्ड एकदम से आते जो मतलब वैसा आग लगा देगा, द टाइटल द हंटर सॉन्ग, द हंटर सॉन्ग इज गोइंग टू बी लाइक बप्पी दा ने जो गाया है बहुत अच्छे गाया है, और लिरिक्स इसके विजय मौर्य ने लिखे हैं, बढ़िया लिरिक्स लिखे हैं, एंड इट्स वेरी जो कैरेक्टर है उसके बहुत चिपक के लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है, सो या इट विल पिक अप इट्स जस्ट सारे कमरे चिपक के हुए इस पिक्चर में है ना, हां तो इसीलिए तो चिपक के करना पड़ा। Goes with the theme of the film. Yes. Now, of course, aapke saathi in the whole process of making music, Mr. Hitesh Sonic, is he here? Yeah, please. Hitesh. अरे वो उधर पीछे बैठे हो जाके, ladies and gentlemen, Hitesh Sonic, तालियां please. Bag Venture. Yeah. Hello, Hitesh. Hi. Please. अब Is this correct कि background music करते करते आपने गाया भी है Hunter में? किस बात में सच्चे? थोड़ा बहुत portions आपने गाया कि नहीं गाया? English के portions, is that correct? हाँ ऐसा कुछ किया हमने। ऐसा भैया इतनी मतलब मुझे कोई सीधे जवाब ही नहीं दे रहा है आज यहाँ पर, क्यों इतना छुपा रहे हैं? नहीं छुपाना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। तो do tell us something about that, आपने गाना गाया इस movie में? नहीं 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 गाना नहीं गाया मैंने। Portions तो गाए हैं। वो background में आपको कहीं feel होगा कुछ, अगर exciting तो मेरी वजह से। बाकी सब एक तरफ, हितेश एक तरफ, अच्छा अच्छा अभी हमें खामोश यहाँ पे खड़े हैं आपके बेडरूम में एकदम, अच्छा ओके, इनकी तरफ देखकर सच्ची सच्ची से बताइए कौन सा गाना बेस्ट है पूरी फिल्म में, सच्ची सच्ची पूरी फिल्म में। मेरा फेवरेट एक गाना है जिसका नाम है बचपन, बचपन बचपन, बिकॉज आई थिंक उस गाने से हर कोई ऑलमोस्ट रिलेट कर पाएगा, और मेरे को इमोशनल गाने ज्यादा पसंद आते हैं। स्वानंद किरकिरे जी ने लिखा है वो, हाँ इट्स अ वेरी वेल रिटन सॉन्ग एंड वेरी वेल कंपोज्ड, वेरी वेल सॉन्ग, सॉन्ग बाय अमित त्रिवेदी, कंपोज्ड बाय खामोश, और एंड ब्यूटीफुली प्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर हितेश सोनी, ब्यूटीफुली प्रोड्यूस्ड बाय मी, वंडरफुली प्रोड्यूस्ड आई शुड से। नाउ ऑफ कोर्स ये जो मूवी है कमिंग डॉट 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 ऑफ एज फिल्म, It's quirky, it's you know, it's in your face, कुछ छुपा नहीं रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, गुलशन का किरदार सब कुछ बोल रहा है सबके आगे। जब आप इसके लिए म्यूजिक जब आप बना रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक खासतौर पर जब आप बना रहे हैं, तो क्या था, what is it that you kept in mind to make sure that the feeling of the film comes forward एकदम 100%? Actually मैंने पहले फिल्म देखी थी before I started working, जैसे हमेशा होता है जी। तो फिल्म बिना म्यूजिक के भी इतनी अच्छी है कि मेरा काम सिर्फ ये था कि जो हो रहा है वो कहीं से भी डिस्टर्ब ना हो, यू नो जस्ट टू ओनली सपोर्ट इट इन अ वे वेयर, क्योंकि बहुत ही सब कुछ द वे इट्स रिटन, द वे इट्स परफॉर्म्ड, द वे एवरीथिंग इज कम टुगेदर, इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स आई हैव सीन। फैंटास्टिक। अभी यहाँ पे हितेश कह रहे हैं कि मेरे बिना ही फिल्म इतनी अच्छी, सर आपने फ्री में पैसे दे दिए सर आपने तो उनको, काम के बिना ही फिल्म इतनी अच्छी है। एवरीबॉडी हितेश सारे के लिए हम राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम, थैंक यू। Alright, अब देखिए इस मूवी को बनाने के पीछे काफी सारे लोग हैं जिनका हाथ है, there are a lot of other people as well who've contributed, who've been very very important in this entire journey of presenting Hunter before you, और मैं उन्हीं लोगों को स्टेज पर अब आमंत्रित करना चाहती हूँ। Can we have Mr. Kirti Nakwa on stage? Kirti ji, आइए। Mr. Ketan Maru, हमारे शिमारू के मित्र, मानसी जी, मानसी मारू is here, yay! And Amitabh Shukla, Amitabh I just met, he's here, yes, there you are. Hello. Ketan ji, मैं आपसे ये जानना, ये जो मूवी है हंटर जो इतना खुल के ओपनली, जितना खुल के यहाँ पे मुझे किसी ने कोई बताया नहीं, मिस्ट्री में रखा है, बट जितना खुल के ओपनली जो मूवी बात कर रही है सबके आगे, कितनी जरूरी है ये फिल्म फॉर द ऑडियंसेस इन टुडेज़ डे एंड एज? आज की डेट में 15 जनवरी को कितनी जरूरी है? जरूरी तो जो इट्स रियलिस्टिक जो हो रहा है समाज में, जो चाहिए लोगों को,
और जो शिमारू ऑलवेज कहता है कि एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट होना चाहिए, तो उसको ये रिप्रेजेंट करेगी ये फिल्म। बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट में कमी नहीं आने वाली है इस मूवी, जरा भी नहीं।